भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और जुबली स्टार निरहुआ आजकल जितने चर्चाओं में हैं, उतने ही चर्चाओं में उनके भाई प्रवेश लाल यादव भी हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बॉर्डर में प्रवेश ने शानदार एक्टिंग दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश लाल ने भी हाल ही में अपनी फिल्म बॉर्डर को प्रमोट करने के लिए कई तरीकों से फिल्म मेकर्स के बीच अपनी खास जगह बना ली है। वेल, जानकारी के लिए बता दें कि प्रवेश की एक ऐसी ही फिल्म हाल ही में देखने को मिली थी जिसका नाम था घूंघट मेंग घोटाला। जी हाँ, इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने पसंद किया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुए कई महीने बीत चुके हैं और अभी तक इस फिल्म के ट्रेलर को 13 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इस फिल्म के सारे गानों को भी यूट्यूब पर निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड से ही रिलीज़ किया गया, जो लोगों को खासा पसंद आए। सिर्फ यही नहीं, जिस फिल्म का ट्रेलर के बाद फिल्म शायद बहुत कम लोगों को देखने को मिली होगी या मिली ही नहीं है, और ट्रेलर टीजर देखने के बाद इस फिल्म को देखने का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। जाते जाते बता दें कि इस फिल्म में प्रवेश के साथ दो हीरोइनें नजर आती हैं, जिसमें मनी भट्टाचार्य और ऋचा दीक्षित मुख्य भूमिका में हैं। कहानी में कुछ हॉरर सीन्स हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स भी हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। इस फिल्म के सारे गाने भी आपको पसंद आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि मनी भट्टाचार्य के साथ प्रवेश लाल का रोमांस और ऋचा दीक्षित के साथ भी प्रवेश लाल का रोमांस आप सभी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।